टीएस बाबा कैसे काम कर रहे हो क्षेत्र में? टीएस बाबा बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। किसान की हित में बात की थी कि बेरोजगारी उसमें 2 साल का बोनस देंगे, कहाँ है 2 साल का बोनस? जिन कांग्रेस के नेता है जेकर पहचान है वही मन यहाँ लाभ ले सकते है, बाकी बेरोजगार तो घूमते थे। तो रमन सिंह लड़ी कहा था? नहीं लड़ा। नहीं लड़े और लड़ी था? और टिकटें नहीं मिला, कहाँ लड़ी? देखो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार जो है, एक प्रकार जो ठगने का काम करी, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको ठगा नहीं। अगर एक बार टीएस बाबा बन जाते हैं तो 20 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, ये मेरी गारंटी है, व्यक्तिगत गारंटी है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। राम राम, जय जवाहर संगवारी हो। मैं आपमन के गौरव तिवारी, छत्तीसगढ़िया टूरा तीरंदाज न्यूज के। हमन आज दुर्ग जिला के दुर्ग रेलवे स्टेशन आ है। दुर्ग रेलवे स्टेशन, दुर्ग जंक्शन बहुत बड़े रेलवे स्टेशन है और यहाँ राज्य के अलग अलग जगह से ही लोगन मन आते। हमन लोगन मन से पूछबो, यहाँ के जनता मन से पूछबो, यात्री मन से पूछबो जो आना जाना करते रेलवे स्टेशन में, क्यों मना राज्य सरकार से कितना खुश है, का उमर राज्य में परिवर्तन चाहते कि यही सरकार दोबारा लाना चाहते। यही कड़ी में हमारा बातचीत करे बार यहाँ दुर्ग रेलवे स्टेशन आहन, बहुत से यात्री मना थे। एक जन भैया हमारे साथ खड़े है, क्या नाम है भैया आपके? मेरा पीके सिंह नाम है। कहाँ खड़े हो भैया? मैं बिलासपुर, अंबिकापुर से। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के काम कैसे? बहुत अच्छा काम है छत्तीसगढ़ सरकार का, भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर से कांग्रेस आएगी, लेकिन टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। टीएस बाबा और अच्छा काम करते, भूपेश बघेल जी से भी अच्छा काम करते। टीएस बाबा को अगले बार चांस देना चाहिए। भूपेश बघेल जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब टीएस बाबा को चांस देना चाहिए, 5 साल टीएस बाबा। और रहा सवाल बीजेपी का, तो वो 20 सीट से ज़्यादा नहीं लाएगी बीजेपी, 20 सीट बस, 20 से 22 सीट लाएगी बीजेपी। बाकी कांग्रेस का 55 से 60 सीट आना निश्चित है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। राज्य सरकार के काम से कितना खुश हो और आपके हिसाब से कौन सा कार्य उनका? राज्य सरकार का सब काम अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। बीजेपी से बहुत अच्छा सरकार है, कांग्रेस की सरकार का जितना भी काम है, जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी हैं। बस फंड की कमी है, जो केंद्र सरकार फंड नहीं देती है, GST का पैसा नहीं देती है, छत्तीसगढ़ से भेदभाव करती है। केंद्र की सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार को समय समय पे जो फंड देना चाहिए वो रिलीज़ नहीं करती है। केंद्र की सरकार पैसा अगर टाइम पे दे तो छत्तीसगढ़ का काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन केंद्र की सरकार जो है दुर्भावनापूर्ण भावनाओं से काम करती है। टीएस बाबा कैसे काम कर रहे हो क्षेत्र में? टीएस बाबा बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, बहुत सारा सार्वजनिक कार्य करवाए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी आपके टीएस बाबा से नाराज घलो खा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं, अब इतना मांग तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता, टीएस बाबा तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मांगे पूरी की जाएंगी धीरे धीरे, शासन के पास जैसा फंड होगा वैसे जो है मांगे पूरी की जाएंगी। क्षेत्र में विकास कार्य कैसे करे? रोड बहुत अच्छा, इतना अच्छा विकास का काम हुआ है, बीजेपी शासन से बहुत बढ़िया काम हुआ है, कांग्रेस की सरकार बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया काम किया है कांग्रेस ने, भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम किए हैं। तो आप टीएस बाबा वाला CM देखना चाहते हैं? हाँ, टीएस बाबा को मैं अगली बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। अगर एक बार टीएस बाबा बन जाते हैं तो 20 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, ये मेरी गारंटी है, व्यक्तिगत गारंटी है कि बीजेपी आने वाले 20 साल तक छत्तीसगढ़ में कभी नहीं आएगी, सिर्फ कांग्रेस रहेगी 20 साल तक कांग्रेस। अगर टीएस बाबा सीएम बने, अगर टीएस बाबा सीएम बन जाते हैं तो 20 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। तो ये भैया इनसे जो कहा थे सीएम टीएस बाबा ला बनना चाहिए, ओकर फेवरेट पार्टी के वो नेता हो ही, और ये भैया मन से जानते कहाँ से आते हो भैया आप? मैं यहीं से हूँ, भिलाई से ही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के काम कैसे, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए कि यही सरकार से? परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। देखो यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार जो है, एक प्रकार जो ठगने का काम करी, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको ठगा नहीं। कैसे? जिन्होंने युवा के उसमें बात किया था कि 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी की बात की थी, आज देखो 4 साल बाद उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया 2500। उसमें ऐसे नियम कानून रखे हैं कि वो लगभग उन लोग 10 लाख युवाओं की बात की थी, जिसमें 10 लाख से 10 लाख को छोड़ ही दो, उसमें ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिसको कम से कम लाख भर युवा उसमें वो उसका लाभ ले रहे हैं। और इन्होंने किसान की हित में बात की थी कि बेरोजगारी उसमें 2 साल का बोनस देंगे, कहाँ है 2 साल का बोनस उनका? तोर हिसाब से राज्य के युवा सरकार से खुश नहीं है कका से? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ना ही युवा खुश हुए। इन्होंने देखो PSC की बात की थी, PSC में भर्ती पूरी गड़बड़ है, PSC में
उसमें जैसे कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जो रिलेशन वाले हैं उनको उन्होंने नियुक्ति की है पीएससी में। और बात करें क्या वन रक्षक की, उसमें भी गड़बड़ी की है उन्होंने, पूरी सेटिंग है। यहाँ टीचर भर्ती में भी, वहाँ देखो टीचर भर्ती में 14,000 ऐसा कुछ जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाए थे, उनमें से उन्होंने 14,000 से ज़्यादा जो एग्ज़ाम नहीं दिलाए उनका भी नाम शामिल है उनमें। ये बात मैं सरकार द्वारा भेदभाव करेंगे इसे कहा तो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेदभाव है सरकार द्वारा बिल्कुल। शोर सिफारिश से अपन खास आदमी मन के भर्ती कर ले कहा रहा। बस बस बस, जिन कांग्रेस के नेता है जेकर पहचान है वही मन यहाँ लाभ ले सकते थे, बाकी बेरोजगार तो घूमते थे कोई। 16-2500 बेरोजगारी भत्ता मिला बोला? बिल्कुल नहीं मिला थे। तभी तो अत्यंत नाराज लगा थे। नहीं नहीं, मैं ओखर से नाराज नहीं हूँ। मैं तोला काबर नहीं मिला थे, नहीं भरे रहे इसका फार्म ओखर? फार्म भरे नहीं है, वो अलग चीज है। बाकी जो ना बात करी से बिजली बिल हाफ के योजना, बिजली बिल हाफ नहीं, आप जाके देखो गांव गांव तो करे हन, कहा थे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर शहर में चिपके, ठीक है वो करे है, वो तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे। प्रदेश में 1,50,000 अनियमित कर्मचारी है, बोला नियमित करूँ 10 दिन की विधा सरकार है नियमित करूँ बोल रही से। आज देखो जाके आप रायपुर में जाओ, धरना बैठे है, मितानीन बहनी बैठे है, हमर मन के शिक्षक मन बैठे है, सफाई कर्मचारी बैठे है धरना में, सब तरह के कर्मचारी संतुष्ट नहीं कर पाए अभी तक तो संतुष्ट नहीं कर पाए। आगे अब देखो क्या है, भले चुनावी बड़े बड़े वादे कर दी कि ये करूँ वो करूँ, अब वो आगे ही समझ आई तो बदलू ये दरी बदले के पूरा मन है। अब बाकी कौन ला लू बदलू, अब ऊपर केंद्रीय नेतृत्व कर ही बीजेपी में कौन ला दी सीएम के पद वो है। अब हम तो नहीं बोल सके, लेकिन कांग्रेस सरकार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ते बता भैया, ते संतुष्ट है कि नहीं? मैं तो नहीं भैया, और दाढ़ी उड़ी बढ़ा के मारी थे मॉडल बन के घूमा था, संतुष्ट नहीं हो कहा था, कब संतुष्ट नहीं है? देखो बीजेपी की जो सरकार है ना, वो एक हिसाब से देखा जाए तो योजना जो कर है, बीजेपी की योजना अच्छा है कहा तो, कांग्रेस की योजना ठीक नहीं है। क्या लोग 5 साल में कांग्रेस करे का है? तोला मौका मिली थे चुनबे की बदलबे? नहीं मैं तो बदल बोल ना लाबे, अब बीजेपी में जो भी आ जाए बीजेपी लाबे, आई एम कट्टर बीजेपी। अच्छा चलो ठीक है भाई, एक जन बीजेपी वाले एक जने थे भाई, कहाँ लास का भैया? देमास है, पाटन देमास। अरे ते हमारे भूपेश काका काम खरज का ता कैसे है काका काम? एकदम मस्त मस्त काका, आई है डबल डबल लाबोन लाहू लाब, बीजेपी नहीं लाओ? नहीं बीजेपी। और भतीजा ला? नहीं नहीं नहीं, भतीजा काम करेगी नहीं पहली वो 15 साल जो पीछे चले गए, आज भूपेश बघेल 5 साल में सब काम लोग कर दी, बहुत अच्छा सरकार कर, योजना भी है, अब लोग थोड़ा बहुत तो इधर उधर होते रहते हैं। पाटन के जनता पसंद कर? बहुत पसंद, पाटन के रोड राड सब बहुत अच्छा है, चकाचक दौड़ा थे गाड़ी मोटर सर सब दौड़ा। किसान हरा सहू? किसान फायदा मिले? फायदा मिले, किसान वर्ग खुश है? बहुत खुश है। दारी फिर से काका, फिर से काका, एक जन भैया ऑटो वाला है इसका भैया? हाँ भैया। आओ का हाल चाल है? ठीक है। महंगाई से परेशान है कि खुश है? महंगाई से परेशान है, खुश क्या करना है महंगाई, महंगाई के वजह कौन ला मानता है? कौन सा सरकार ला, कांग्रेस ला बीजेपी ला? अरे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सब काम है भाई, महंगाई पर कंट्रोल करना है। छत्तीसगढ़ में काकर सरकार बनावे? देखिए हम ऑटो संचालक हैं और चालक भी हैं, ठीक है, मैं भूपेश सरकार से इसलिए खुश हूँ कि ऑटो वाले खुश हैं, ऑटो वाले कहीं परेशान नहीं है इस सरकार के। ऑटो वाले बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं इस सरकार। क्या किया है भैया? तो पुलिस प्रशासन कुछ रोकता नहीं है, परेशान नहीं करता है, पूरा फ्रीडम दे दे यानी नहीं? हाँ, एक बार फिर से सरकार लाना है काका की। अच्छा है हम लोगों के लिए। ये भैया मन घलो गए ओकर मन से पूछ लेते, आओ काका। अरे आओ हम बात करते हैं यहाँ, आओ आने जाने वाले मंत्र से। और भैया क्या हाल चाल? सब ठीक है। कहाँ ला हस? यही खरस भिलाई। सरकार से कितना खुश है? सरकार से तो मैं ना खुश हूँ। कैसे? कार्यकाल देख के। का का कार्य अच्छा नहीं करे? कांग्रेस की घोषणा में देख रहे हो, जो चीज बंदी करने का वादा किए तो कोई बंद नहीं हो रहा है। का का चीज से नाराज है सरकार? दारू बंदी करना चाहिए। सरकार वापस चुनबे की बदलबे? बदलेंगे। कौन ला लाबे? भाजपा। भाजपा का बल लाबे? भाजपा को ही सपोर्ट। ठीक है भैया, घलो भाजपा ले अंदर जानथन लोगन मन से की काकर सरकार बनाही। एक घलो पापा है, कहाँ ला था? डोंडी से। और सरकार ले खुश है?
और जे हमला धान के रेट बढ़ाई तिल देबो हमन तो धान के रेट तो बढ़ गए का अभी कहां बढ़े अभी जीती तो बढ़ाई अच्छा तो 36 से जिए आओ संतुष्टि है 25 में हां तो बोनस 3000 करी 3000 कोई दूसरा कर दीता आओ तिल देबो हमन अभी के सरकार से खुश हस कि नहीं नहीं है ना खुश हो तो एक साथ देते तो कहीं काम में लगती एक साथ नहीं देते कहां देते एक साथ कैसे के भाग में देते पैसा चार भाग में देते पैसा ला कैसे कैसे चार भाग बोनस ला चार भाग करके देते धान ला जे दिन बेचल जात हो दिन नहीं दे हां तो पैसा को उपयोग कर पाथो कि नहीं पैसा को उपयोग सही उपयोग नहीं हो काबर एक साथ देते तो सही उपयोग होती कांग्रेस सरकार ले खुश हस कि नहीं नहीं हनका खुश हमन हा बीजेपी से बीजेपी से आप देखो आप समय बताही हाँ। लेकिन जेन धान के रेट मैं बढ़ा दिए वही चुनू हाँ वही चुनबो जे धान के रेट बढ़ाई तिल चुनबो हमार मनसा दे दे दीदी बहनी मन आए कहाँ लात हो तुम हमारी सामान सरकार के काम से खतना खुश हो बहुत खुश तेदारी सरकार फिर से लाहौक बदलू बदलू ना बदलू काबर बदलू काम ठीक नहीं करेगा कहाँ लात हस गते अरे हम राहुल लात हन भाई कहाँ जाते हो भोपाल जा रहे मेरे भैया जल्दी टिकट कटान ऐसे का टिकट नहीं कटा हस बिना टिकट क्या कैसे यार इनका फाइन काटा जाए रेलवे स्टेशन में देख है ना बाबा हमारा मिले कहाँ लात हस कवर्धा जा था आए हैं घर अच्छा आओ हाँ काखर सरकार के काम पसंद है तो ला सब बढ़िया है कौन ला जीता अभी वही बघेल साहब अभी अब तुम्हें जीती फूल ला नहीं लाओ काबर हम तो कांग्रेसी हैं तो कवर्धा में तो छोड़ ना वो मतलब मार देंगे अकबर के काम अकबर साहब के काम कैसे अच्छा चला ठीक करे तो एक बार फिर से जीता हूँ ला हाँ तो रमन सिंह लड़ी कहा था नहीं लड़ा नहीं लड़े और लड़ी था और टिकट नहीं मिला कहाँ लड़ी रमन सिंह ला टिकट नहीं मिले और मिल ही था जीता हूँ नहीं जीता नहीं जीता अकबर जीता हूँ और राज्य में कौन आना चाहिए भूपेश हाँ जेल नहीं बने हमारे तो एक वोट है बातचीत के कड़ी में हमन दुर्ग रेलवे स्टेशन में घूमत हन दुर्ग रेलवे स्टेशन में अलग अलग जगह से यात्री मन आए हैं ओकर मन से राय जानें अभी तक के हमन राय जानें ओकर अभी तक के जो राय हमन जानें पब्लिक से ओमे तो कई जन मन काका सरकार फिर से बनाबो कहा थे और जानथन यहाँ के ये छत्तीसगढ़ वासी मन से जो यात्रा करते रेलवे स्टेशन में कि ओमन कितना खुश है सरकार से और कितना ना खुश है बातचीत के कड़ी में तो घुमा था अरे भैया कहाँ सारे मोहला से सर अच्छा हाँ मन से मोर से एक मैं एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार कैसे काम कर रही है ठीक ही कर रही है क्योंकि जहाँ तक कि है देखो गवर्नमेंट हर किसी के एक पर्सन के पास तो नहीं जा सकती ना हाँ लेकिन उनके कर्मचारी हैं ना जो मदद करते हैं अब हालांकि कुछ त्रुटि हो जाती है गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है कि हर काम को बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट हो तो सरकार एक बार लाओ के फिर से सरकार चुनू की बदलू हाँ सर चुनेंगे वही सरकार चुनेंगे भूपेश सरकार जी सर खुश हो भूपेश सरकार जी सर और बीजेपी से नहीं मोदी सरकार से खुश नहीं हो है उन्होंने बहुत कुछ किया सर अच्छा मोदी सरकार ने किया है लेकिन राज्य सरकार में आप कमल फूला नहीं चुनू हाँ सर पंजल चुनू जी सर का नाम है भाई आपके काशीराम ठीक है काशीराम भाई ये पान ठेले वाले भैया से पूछता नहीं मना कई जन यात्री मन एकर मन कर आते रुकते उखर मन के मूड ला झलक जाना थोई एकर मन के विचार ला जानथन का नाम है भैया आपके मारा नाम राजेश चतुर्वेदी राजेश भैया सरकार के काम से खुश हंसते हैं बिल्कुल खुश है एक बार फिर से लहू राज्य में सरकार ऊपर वाला चाहेगा तो आएगी ऊपर वाला मतलब हमारी सरकार करेगी जो कही लेगी जनता खुश है तो सब आप खुश हो खुश है और बीजेपी से ना दोनों से हम खुश हैं ये जो सरकार यहाँ वर्तमान उसी से खुश है वर्तमान सरकार जेखर है बोला फिर से चुनू हाँ बीजेपी मौका नहीं दो नहीं जो हमारा हमारा ध्यान दे रहा हम उसको ध्यान देंगे कैसा ध्यान देना का ध्यान देना चाहिए सरकार ना? सरकार हमको बहुत सारी सुविधा यहाँ दे रही है राशन दे रही है 2 रुपये किलो चावल दे रही है नमक दे रही शक्कर दे रही है अब क्या चाहिए संतुष्ट हो फिर से लाहू जाने कहाँ ला था भैया कवर्धा ले कवर्धा ले आओ कवर्धा में काकर सरकार बनाओ अब देखो अब जिन सरकार बन सकते होते तो वादा नहीं कर सकन तो कांग्रेस का चिन्हू बीजेपी चुन अब हमार देख काम वोट या कांग्रेस जीता चाहे बीजेपी
ये कौन लदे पे वोट? अब डायरेक्ट कहत पंजा वाले आन हम पंजल खुश है। हां खुश है ना। रमन सिंह की सरकार नहीं बनाओ? नहीं तो वो तो कवर्धा लड़ी सुना था। वो लड़न देना लड़े तो हम भूपेश लड़ जाबो। अच्छा वो कहीं भी लड़े तुम भूपेश लड़ी थी। ठिकाना में भी है तो चंदू भैया घलो भूपेश कक्का वाले। तो नाम का है भैया? अल्लू 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 अर्जुन कल्लू। अच्छा कल्लू कल्लू से कालिया बन कल्लू से कालिया बना तो कितना समय लगी? वो समय लगी सरकार का घर बनावे सरकार का चीज बनावे पंजा की फूल फूल। अच्छा फूल जीता बे? हां फूल जीता। पंजल नहीं जीता? पंजल ने फूल है। काबर जब चाहे वक्त जब चाहे बोले जब चाहे तब खिल जी। हां और का पंजल नहीं लास्ते हैं। हां फूल है फूल आही ना। हां फूल है। ये कल्लू भाई कहां थे? फूल आही। ए दे हमर सर दीदी मन घलो का है कहां जा थे सब? तीजा पूरक समय है वे। हां तीजा जात हम तीजा भोपाल। अच्छा भोपाल जात हो तीजा? हां तीजा भोपाल। ये कहां जाता दीदी? भोपाल जात। अच्छा दोनों बहनी एक साथ जात हो? हां एक साथ। भाई कहां है तुम्हारा? हमर भाई मन तो भोपाल में रहते। अच्छा तीजा लेके नहीं आए वो? हमारा लेके नहीं आए। फोन में बोलते ना चल देता ना मन। अच्छा तुम्हारा फोन ले चल दे तू। हां वैसे फोन में नेवता मान ले तो नहीं मान ले मान ले था। कौन से गांव करो? कवर दे। हां बालोद जिला धनेली। अच्छा ते कवर्धा कैसे बालोद कर एक एक झनका के बताओ सरकार से कितना खुश? बहुत खुश। फिर से लाऊ? बहुत खुश है फिर से लाबो। कमल लन्नी खिलाओ लेकिन हम चाहते हैं फिर से मतलब भूपेश बघेल से बने से। समय है बताई लेकिन तुम आना चाहते हो कि भूपेश बघेल? हाँ। तुम्हारे गाँव डान काम करे कि नहीं करे? हमारे गाँव डान काम करे ही। तोर गाँव डान करे तभी लाऊ का? हाँ लाबो लाबो। अरे ठीक है दीदी मन गलो तीजा जाते गोट एकर मन से गोठिया डाले और जान था आगे मन से ता ये दुर्ग रेलवे स्टेशन में जितना यात्री मन आ रही से और मन के आप मन के बात ला जाने हमारे माध्यम से। अब देखना ये है कि राज्य में सरकार का घर बनते हम तो सिर्फ विचार ला सामने ला था लोगन के कोनो बीजेपी खुश है कोनो कांग्रेस से खुश है लेकिन हमारे अभी तक में जितना हमन जेखर मन से बात हुई से आधा ज्यादा भूपेश सरकार से खुश है और एक बार फिर से लाभो कहा थे। चुनाव के यही कड़ी ला देखते रहना हमन मन साथ बने रहू। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं गौरव तिवारी छत्तीसगढ़ टूरा।